हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न चैप्टर 4 राजपूत एज, स्टैंडर्ड 7, सेमेस्टर 1। ओके, इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द सम थिंग्स रिलेटेड टू द राजपूत कंस्ट्रक्शंस वर्क। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर राजपूत एज। ओके, परिमल वाज वाचिंग अ हिस्टोरिकल सीरियल ऑन टीवी। इन वाच ही सॉ अ पैलेस। परिमल टीवी पे एक हिस्टोरिकल सीरियल देख रहा था, तो उसमें अचानक से उसने पैलेस को देखा। ए थॉट एरोज इन हिज माइंड, आर सच पैलेस स्टिल इन एक्सिस्टेंस। उसके दिमाग में एक विचार आया कि जो पैलेसेस हैं वो आज भी हैं क्या। हु हैड कंस्ट्रक्टेड सच पैलेसेस, इन जो पैलेसेस हैं उनका निर्माण किसने करवाया था। बींग क्यूरियस, वो क्या था, बहुत ही उत्सुक था। ही वेंट टू हिज ग्रैंड फादर टू गेट आंसर टू दिस एंड अदर सिमिलर क्वेश्चंस। वो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए बहुत क्यूरियस था, इसके लिए वो सारे जवाब पाने के लिए अपने ग्रैंड फादर के पास जाता है एंड ग्रैंड फादर के पास जाता है और सिमिलर क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन वो अपने ग्रैंड पा से पूछता है। हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम अ फ्यू थिंग्स लाइक वट इज डिस्कस्ड बिलो। तो अपने ग्रैंडफादर के साथ क्या डिस्कस करता है इसके बारे में हम नीचे पढ़ते हैं। सच पैलेसेस वर कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग इन एंशियंट टाइम्स। जो बहुत सारे जो पैलेसेस के जो निर्माण करवाए गए, जो कंस्ट्रक्शन का काम जो करवाया गया था, वो एंशियंट टाइम में बहुत सारे राजाओं के शासनकाल में करवाया गया था। वी कम अक्रॉस मैनी सच पैलेसेस, सम ऑफ विच आर रियून्स वाइल अदर्स आर गुड कंडीशन। उसमें से हम लोग ने देखा कि जो कुछ जो पैलेसेस हैं वो आज की डेट में क्या हो गए, कुछ खंडर बन गए हैं, कुछ बर्बाद हो गए हैं, और जो कुछ ऐसे पैलेसेस हैं जो आज भी गुड कंडीशंस में हैं, अच्छी दशा में हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन प्रेजेंट टाइम एंड द काइंड ऑफ वर्क डन इन अर्लियर एज। अब क्या है, जो एंशियंट टाइम में जो वर्क कंस्ट्रक्शन के वर्क हुए थे और जो प्रेजेंट टाइम में कंस्ट्रक्शन के वर्क हो रहे हैं, उनमें बहुत ही डिफरेंट हैं। From these differences, we can make out the period during which a particular structure was constructed. तो ये जो differences है इसको हम देख सकते हैं उस समय के जो शासनकाल में जो जो structures के जो particular structures थे वो कैसे construct करवाए गए थे। okay? Monuments constructed during the Rajput age, जो उस समय के जो monuments थे, जो इमारतें थे, वो mostly राजपूतों के शासनकाल में ही करवाई गई थी। कैन बी सीन इवन टू डे, जिसको हम आज भी देख सकते हैं। टू नो अबाउट द एरा, इसके लिए हमें जब हम इन सारे कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में, मॉन्यूमेंट्स के बारे में अगर हमें जानना है, तो हमें उस समय के युग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो लेट अस नो अबाउट द मेन इंडियन डायनेस्टी ऑफ दैट टाइम। तो इस उस युग के बारे में जानने के लिए हमें उस युग में किन किन शासकों, किन किन वंश का, किन किन डायनेस्टी का शासनकाल हुआ था उस समय में, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि किस 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 वंश के राजाओं ने शासन किया था। राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज, ठीक है, जो नए नए जो वंश थे उनके उदय कैसे हुआ था, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर हर्षवर्धन इन द मिडल ऑफ 7th सेंचुरी CE, many feudal chieftains and landlords declared themselves to be independent and founded new dynasty. जब जो शासक हर्षवर्धन था 7th सेंचुरी के मिड में, जब उसकी डेथ होता हो जाती है, तो उसके बाद जो feudal chieftains होते हैं और landlords होते हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। Many dynasties came into the existence. The main dynasty ruling North India were the Gujjar, Pariharpal, Chalukya, Parmar, Chalukya dynasty. Among those in South India were the Pallav, Rajkute, Kalyani, Chalukya chief Pandya and South Chola dynasties. The ruler of the Pallav dynasty and Sen dynasty ruled in Bihar and Bengal. The rulers of the Pallav dynasty had added Pala to their names and so their dynasties was known as the Pala dynasty. With the help of your teacher and the library, find out more information about the rulers of the Pala dynasties. The rulers of the Pala dynasties or Sen dynasties जो थे, जो दो ruler थे Pal dynasties के और Sen dynasties से, ये बिहार और बंगाल में अपना rule कर रहे थे, शासन चला रहे थे। The rulers of Pala dynasties had added the Pala their name and so their dynasty was known as the Pala dynasty. जो
पाला डायनेस्टिक से जो रूलर थे वो अपने नाम के आगे पाला लगाने लगे, जिससे वो पाला डायनेस्टी के नाम से फेमस हो गए, जानने लगे। इसके आप अपने टीचर्स की हेल्प लेके लाइब्रेरी में जाके पाला डायनेस्टी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप गैदरिंग कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। ओके बेटा, मैनी राजपूत रूलर्स ऑफ द चौहान एंड चहमान डायनेस्टी रूल ओवर वेरियस पार्ट ऑफ द राजस्थान ड्यूरिंग 7th एंड 8th सेंचुरी सीई। ऑफ देम, जो बहुत से राजपूत रूलर्स थे जो चौहान और चहमान डायनेस्टी के नाम से जो जाने जाते थे, उन्होंने राजस्थान के बहुत सारे पार्ट में अपना 7th और 8th सेंचुरी के बीच में उन्होंने अपना शासन किया। वन ब्रांच रूल्ड ओवर शाकंभरी, उनका जो एक ब्रांच था जहाँ पर उनका शासन था वो शाकंभरी में है, अ प्लेस नियर लेक संभार विच इज टू द नॉर्थ ऑफ अजमेर, जो कि आज लेक संभार के पास है और जो नॉर्थ अजमेर में, नॉर्थ अजमेर का है, ठीक है। इन द बिगनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी, जो कि 8वीं सेंचुरी के प्रारंभ में ही इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत हो गई थी। अजयराज असेंडेंट द थ्रोन ऑफ शाकंभरी इन द 12th सेंचुरी, जो अजयराज था उसने राजगद्दी को संभाला था 12th सेंचुरी में। एंड ही एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ अजयमेरु विच लेटर केम टू बी नो एज अजमेर। जब वो अपना शासन, जब उन्होंने अपनी राजगद्दी संभाली थी अजयराज ने, तो उन्होंने एक सिटी बनवाई अजयमेरु, जिसको हम आजकल अजमेर के नाम से जानते हैं। ओके, मैनी राजपूत रूलर्स ऑफ द चौहान एंड चामान डायनेस्टी रूल द वेरियस पार्ट राजस्थान ड्यूरिंग 7th एंड 8th सेंचुरी सीई। ऑफ देम ब्रांच रूल्ड ओवर शाकंभरी अ प्लेस नियर लेक संभार विच इज टू द नॉर्थ अजमेर इन द बिगनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी। अजयराज असेंडेड द थ्रोन शाकंभरी इन द 12th सेंचुरी, इट एस्टैब्लिश्ड द सिटी अजयमेरु विच लेटर केम टू बी नो एज अजमेर, ठीक है। द रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी कैप्चर्ड दिल्ली इन द कैपिटल ऑफ टोमार किंग्स एंड द एस्टैब्लिश्ड डियर सुप्रीमेसी। अब क्या जो रूलर थे चौहान डायनेस्टी के, उन्हें पूरे जो उन्होंने पूरे दिल्ली पे कैप्चर कर लिया, जो कि उस समय तोमर राजाओं की राजधानी थी, और उस तरह से उन्होंने अपनी एक सुप्रीमेसी पावर को दर्शाया था। किसने? चौहान डायनेस्टी के शासकों ने। पृथ्वीराज थर्ड और राय पिथौड़ा वाज अ पावरफुल रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी। पृथ्वीराज थर्ड को या राय पिथौड़ा करो, इनकी एक ये एक पावरफुल रूलर थे चौहान डायनेस्टी के। ही इज अनपैरल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, इतिहास में इसकी कोई गणना ही नहीं कर सकता। मैनी स्टोरीज एंड फ्लॉक सॉन्ग्स हैव बीन रिटन अबाउट द ब्रेवरी ऑन द बैटलफील्ड, बहुत सारी कहानियाँ पोएट्स लिखे गए हैं इनकी बहादुरी के बारे में और इस समय जो युद्ध हुए थे उसके बारे में। चंद्रबरदाई अ फेमस पोएट, जो चंद्रबरदाई थे एक महान कवि थे, हैज़ रिटन अबाउट द पृथ्वीराज चौहान्स वेलर इन हिज इपिक। तो जो चंद्रबरदाई थे इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में अपने इपिक में बहुत सारा वर्णन किया है। कौन सा उनका इपिक था? पृथ्वीराज रासो। ही शैल लर्न अबाउट द बैटल बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी लेटर। अब हम जो पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हुए थे उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। द गोहिल्स एंड गुहिल्स ऑफ मेवार हु वर लेटर नोन एज द सिसोदिया राजपूत होल्ड अ अनेक्य पोजिशन इन मेडवल हिस्ट्री। जो मेडवल हिस्ट्री में जो गुहिल्स थे मेवार के, वो सिसोदिया राजपूत के नाम से जाने गए, ठीक है, जिन्होंने एक मेन पोजीशन गेट की पाई। इट इज़ द सेड एट बप्पा रावल एस्टैब्लिश्ड दिस डायनेस्टी, इसके जो फाउंडर थे वो बप्पा रावल थे। ड्यूरिंग द राजपूत एरा द छेदी डायनेस्टी रूल्ड ओवर द जबलपुर विच इज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा मध्य प्रदेश। राजपूत काल में ही यानी कि उन्हीं के युग में छेदी डायनेस्टी का भी उदय हुआ, जो कि जबलपुर में उनका शासन काल था, जो कि नर्मदा नदी के पास थी साउथ में, जो कि आजकल मध्य प्रदेश में है। इट वॉज नोन एज द छेदी डायनेस्टी ऑफ द कालाचुरी विद इट्स कैपिटल ऑफ त्रिपुरी प्रेजेंट डे तेवार। ये जो छेदी डायनेस्टी है इसको हम कालाचुरी जो छेदी डायनेस्टी है वो आजकल कालाचुरी के
काला चूड़ी में इसका जो शासन काल है जिसको त्रिपुरी में कहते हैं और प्रेजेंट डे में इसको तेवार के नाम से हम जानते हैं। इन द मेडिवल एरा इन गुजरात द राजपूत डायनेस्टीज ऑफ चावड़ास फॉलोड बाय द सोलंकीज रूल्ड ओवर अनहिलवाड़ा पाटन। अब जो मेडिवल एरा में जो गुजरात में क्या था जो राजपूत डायनेस्टीज थी वो चावड़ा नाम से जानी जाती थी फॉलोड बाय द सोलंकीज और वो फिर क्या हुआ ये सोलंकीज को भी फॉलो करने लगी ओवर द अनहिलवाड़ा पाटन। जो सोलंकीज और चावड़ा जो ये जो थे दोनों रूलर थे पूरा अनहिलवाड़ा पाटन में इनका पूरा रूल था शासन था। देयर वर मैनी वैलियंट रूलर्स इन दिस डायनेस्टी अबाउट होम वी स्टडी लेटर। और भी हम बहुत सारे जो डायनेस्टी थे जो वंश थे इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे या फिर बाद में पढ़ेंगे। ओके नेक्स्ट टॉपिक साउथ इंडिया। ड्यूरिंग द राजपूत एरा मैनी बिग एंड स्मॉल स्टेट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन साउथ इंडिया। राजपूत काल में यानी राजपूतों के शासन काल में बहुत सारे छोटे बड़े जो स्टेट्स थे वो एस्टेब्लिश्ड हो गए साउथ इंडिया में। आफ्टर द डिमिस ऑफ पुलकेशी सेकेंड डेमाइज जब पुलकेशी सेकेंड जो था उनकी डेथ हो गई तो हिज वास्ट एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इंटू द स्मॉलर स्टेट्स। जब उनकी मौत हो जाती है जो छोटे छोटे जो जो स्मॉलर स्टेट्स होते हैं द रीजन ऑफ मैनी रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी इज नॉट वर्थी। जब पुलकेशी सेकेंड की जब डेथ हो जाती है जो उनका बहुत बड़ा जो साम्राज्य होता है वो छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है और जो इस समय जो बहुत सारे जो शासक होते हैं चालुक्य डायनेस्टीज डायनेस्टीज के उनकी जो पावर जो थी वो देखने योग्य होती है। द किंगडम ऑफ द पल्लवा एंड द चोला डायनेस्टीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। नरसिंह वर्मा वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द पल्लवा डायनेस्टीज। जो इस समय जो किंगडम्स थे पल्लवा और चोला डायनेस्टीज के इसमें इंक्लूडेड इन द स्टेट्स ऑफ द साउथ इंडिया। ये जो दोनों जो चोला पल्लव डायनेस्टीज के जो थे ये दोनों भी साउथ इंडिया के स्टेट्स में इंक्लूडेड थे उनका भी शासन था। जो नरसिंह वर्मा थे इस समय के स्ट्रॉन्ग रूलर माने जाते थे पल्लव डायनेस्टीज के। द एम्परर ऑफ दिस डायनेस्टीज वर लवर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर्स। इस समय जो एम्परर्स थे जो इस समय के जो शासक थे एम्परर्स थे जो इस समय के जो शासक थे वो मोस्टली क्या थे वो कला और साहित्य के प्रेमी थे। द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पल्लवा आर्किटेक्चर। कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो जो कांची में है जो कांची में स्थित जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो बेस्ट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है पल्लव डायनेस्टी का। ओके द चोला डायनेस्टी ऑल्सो रूल्ड इन द साउथ। जो चोला डायनेस्टी भी जो थी साउथ में अपना शासन कर रही थी। तंजौर वाज दियर कैपिटल। तंजौर उस समय यहाँ का कैपिटल था। द रूलर्स ऑफ चोला डायनेस्टी अटैक्ड सीलोन एंड एनेक्स्ड मैनी टेरिटरीज। जो उस समय जो रूलर्स थे चोला डायनेस्टीज के उन्होंने सीलोन पे अटैक कर दिया और वहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया यानी वहाँ पर उन्होंने जीत हासिल कर ली। द चोलाज हैड अ पावरफुल नेवी बिकॉज ऑफ विच दे कुड अटैक कंट्रीज इवन अक्रॉस द सी। जो चोला डायनेस्टीज थी वो पावरफुल नेवी उसके पास एक पावरफुल नेवी थी इस वजह से वो क्या जो सी रूट से रिलेटेड जो एरिया थे उस पर भी वो इजिली अटैक कर देती थी। राजा फर्स्ट अडेप्टेड अ वेरी सिस्टमैटिक व एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज स्टेट। जो राजा थे फर्स्ट उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था अपने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित कर रखा था चला रखा था। ही स्टार्टेड विद द मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उन्होंने शुरुआत की थी मेजरमेंट करने की लैंड और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। अपार्ट फ्रॉम दैम द राष्ट्रकूटा इसी समय उसका एक पार्ट था राष्ट्रकूटा। चेरा एंड पांड्या डायनेस्टी ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया। और उसमें चेरा जो पांड्या डायनेस्टीज भी जो थी उसका भी रूल साउथ इंडिया पे था। सो इट इज द एविडेंट दैट मैनी डायनेस्टीज रूल्ड इन डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द राजपूत एज। इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि जो राजपूत एज में थे वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग डायनेस्टीज ने भी अपना रूल किया था अपना शासन किया था। There were frequent battle between them to annex each other areas due to the internal conflicts. उस समय क्या था मतलब एक दूसरे के बीच में लगातार मतलब लड़ाइयाँ होती रहती थी किस लिए कि दूसरे के एरिया को उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए ये युद्ध हम अक्सर होते ही रहते थे।
ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, और उन लोगों के बीच में हमेशा इंटरनल मतभेद होते ही थे। देयर वॉज नो यूनिटी अमॉन्ग द, उन लोगों के बीच में कोई एकता नहीं थी, सभी अपने अपने राज्य और शासन का विस्तार करने के लिए एक दूसरे से युद्ध लगातार करते ही रहते थे। फॉरेन इवेडर्स टुक एडवांटेज ऑफ दिस, वी विल डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द राजपूत एरा। तो जो फॉरेनर थे इडवेस लुक टुक द एडवांटेज ऑफ दिस, के जो कुछ एडवांटेज थे वो इसमें हमें दिखते हैं। पर वी विल डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कल्चर, जो इसमें का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और इसके जो कल्चर था जो उस राजपूत एज में, उसको हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। राजकुटाज रूल्ड साउथ इंडिया, उस समय अब क्या था, राजकुटा भी उस समय साउथ इंडिया पर रूल कर रहा था। विद द फॉल ऑफ चालुक्य डायनेस्टीज, और उस समय क्या हुआ था, फॉल ऑफ जो उस समय क्या था, तब जब क्या हुआ था, जब चालुक्य डायनेस्टी क्या था, मतलब उसको पतन की ओर हो रहा था, मतलब वो नीचे जा रहा था, तो उसी समय राजकुट डायनेस्टी थी वो अपने पूरे पावर में आ रही थी। राजकुटा मीन्स हेड ऑफ द स्टेट ऑफ एरिया, राजकुट मीन्स होता है जो हेड होता है उस एरिया का, जो स्टेट का हेड होता है। इट इज बिलीव दैट द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी इज वन एन ऑफिसर ऑफ दैट कम्युनिटी एंड हैंस द डायनेस्टी वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। अब इसमें जो हम ये मानते हैं कि जो इसमें जो फाउंडर थे इसके डायनेस्टीज के ऑफिसर्स जो थे वो कम्युनिटी एंड द हैंस ऑफ डायनेस्टी वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। आउट ऑफ मैनी रूलर्स गोविंद थर्ड वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग। इसमें जो फाउंडर थे वो सारे बहुत ही, उनमें एकता थी, वो बहुत ही शक्तिशाली थे, पर इसमें से जो मोस्टली थे, जो यहाँ के जो रूलर थे, गोविंद थर्ड जो थे वो मोस्ट पावरफुल राजा माने जाते हैं राजकुटा डायनेस्टीज के। ओके, इन द 8th सेंचुरी ही एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल किंगडम इन द डेक्कन। उन्होंने 8वीं सेंचुरी में एक पावरफुल शासन राज्य स्थापित किया था डेक्कन में। ओके, द पांड्यास ऑल्सो रूल्ड ओवर साउथ इंडिया। इसके पश्चात क्या था, पांड्यास ने भी पूरे साउथ पे अपना शासन कर रहा था, वो भी शासन कर रहा था। द पांड्यास डायनेस्टी इज बिलीव्ड टू बी वेरी एंशियंट। ये जो पांड्या डायनेस्टीज थी वो बहुत ही पुरानी थी। मेगास्थनीज द ग्रीक ट्रेवलर नोट्स दैट फीमेल यूज टू रूल इन द कम्युनिटी। जो मैग्नेथीज थे, जो ग्रीक के ट्रेवलर थे, उन्होंने ये नोट किया था यहाँ पे उस समय फीमेल्स जो थी यहाँ पे शासन करती थी, उनकी एक कम्युनिटी थी। द इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर अशोक ऑल्सो कंटेन रिफरेंस टू द पांड्यास। जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसमें भी पांड्यास जो डायनेस्टी का जिक्र मिलता है, उसका ही वर्णन मिलता है। द पांड्यास रूल्ड इन द प्रेजेंट डे मदुरई एंड तिरुनेवेली इन तमिलनाडु। जो अभी प्रेजेंट डेज में जो पांड्या रूल्ड है वो मदुरई में है और तिरुनेलवेली में है, जो कि अभी तमिलनाडु में है। चेराज रूल्ड ओवर साउथ इंडिया। जो चेराज थे उनका भी पूरे साउथ इंडिया पे रूल था। चेरा इज नोन नाउ नोन एज केरला। चेरा को हम अब केरला के नाम से जानते हैं। इन एंशियंट टाइम केरला वाज पार्ट ऑफ द तमिल स्टेट। पुराने समय में ये जो केरला है वो तमिल स्टेट का एक पार्ट था। लेटर ऑन केरला ऑफ मलयालम स्टेट सेपरेटेड। उसके बाद क्या होता है, जो केरला और जो मलयालम स्टेट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। कैपाल पुत्र राज्य इज मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। जो केपल पुत्र राज्य है वो उसे मेंशन किया जाता है अशोका के इंस्क्रिप्शन का, ठीक है, अशोका के इंस्क्रिप्शन का उसमें उसे मेंशन किया जाता है। एंड अथान सेकेंड वॉज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दिस डायनेस्टीज। अथान जो सेकेंड होते हैं वो फर्स्ट रूलर होते हैं इस डायनेस्टी के यानी कि इस वंश के। चिरान सेटुगवन वाज अ पावरफुल रूलर ऑफ द दिस डायनेस्टी। जो चेरन सेतुगवन थे उस डायनेस्टी के पावरफुल रूलर थे। मैनी डायनेस्टीज केम इनटू एक्सिस्टेंस। द मेन डायनेस्टीज रूलिंग नॉर्थ इंडिया वर द गुर्जर प्रतिहार पाल चालुक्य परमार एंड चौहान डायनेस्टीज। अमॉन्ग दोज इन द साउथ इंडिया वर द पल्लव राजकुटा कल्याणी चालुक्य छेद पांड्या एंड चोला डायनेस्टीज। जो बहुत सारी डायनेस्टीज का इस समय उदय हुआ था, इसमें से मेन डायनेस्टीज जो थी जिन्होंने नॉर्थ इंडिया पे अपना शासन किया था वो थे गुर्जर प्रतिहार पाल
चालुक्य, परमार एंड चौहान डायनेस्टीज, ओके, अमंग दोज इन द साउथ इंडिया. इसके साथ ही जो साउथ इंडिया में जो डायनेस्टीज थी उसमें थे हमारे पल्लव गुर्जर, सॉरी हमारे पल्लव राष्ट्रकूटा, कल्याणी, चालुक्य, चेर, पांड्या एंड चोला डायनेस्टीज. ओके बेटा, द किंगडम्स ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इसमें जो जो शासन राज्य जो था शासन का, वो इसमें मेडिवल पीरियड में दो भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है, एक नॉर्थ इंडिया में, एक साउथ इंडिया में. नॉर्थ इंडिया, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष मैनी किंग्स असेंडेड द थ्रोन द कन्नौज. अब क्या था, जब हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है तो जो कन्नौज को, जो कन्नौज होता है उस पे जो उसकी गद्दी पे बैठाया जाता है, किसको बैठाया जाता है, यशोवर्मा को. इन द कंसिडर्ड टू द पावरफुल रूलर, क्योंकि वो एक पावरफुल रूलर था. जब जब इसमें जब नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है तो जो उसके जो कन्नौज का राजा होता है उसको किसको बनाया जाता है, यशोवर्मन को बनाया जाता है, क्योंकि वे एक पावरफुल रूलर थे. आफ्टर हिम, उनके बाद, यानी कि उन हर्षवर्धन के बाद, द प्रतिहारा डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इट्स रूल इन कन्नौज. अब प्रतिहार डायनेस्टी का उन्हें अपना जो एस्टेब्लिश किया था रूल कहाँ किया था, कन्नौज में. दे प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम अरब इन वैसिकोनोज, मिहिर भोज हु वाज आल्सो नोन एज द भोज. उस समय जो उनको प्रोटेक्ट किया जाता था इंडिया से, अरब इन्वेसेंस से, मीर भोज प्रोटेक्ट करते थे और जो कि भोज के नाम से भी जानते थे, वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जो कि जो मीर भोज थे इसके मोस्ट पावरफुल रूलर थे. ही फाउंड मैनी बैटल्स विद द राष्ट्रकूटा ड्यूरिंग हिज रीजन. इसमें बहुत सारे युद्ध हुए थे राष्ट्रकूटों के शासनकाल में. We will learn about the Rajkutal letter. इसे हम राजकुटा के बारे में बाद में पढ़ेंगे. The Parmar dynasty ruled the Malwa. जो उसमें जो था नॉर्थ ने जो परमार डायनेस्टीज था उसकी वो रूल कर रहा था मालवा पर. उज्जैन एंड धार नगरी वर द टू मेन सिटीज ऑफ मालवा. उज्जैन और जो धार नगरी थी जो दो मेन सिटीज थी मालवा की. धार नगरी इज नोन एज द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एट द प्रेजेंट. जो धार नगरी थी वो आज के समय में धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जो कि आज के डेट में मध्य प्रदेश में है. किंग मुंज एंड किंग भोज ऑफ परमार डायनेस्टीज वर नॉट ओनली गुड रूलर्स बट आल्सो गुड पोएट्स. जो इसमें जो मुंज और जो किंग भोज थे वो एक केवल गुड रूलर ही नहीं थे, गुड अच्छे शासक नहीं थे, बल्कि एक बहुत अच्छे कवि भी थे. दे गिव पैट्रोनेज टू द स्कॉलर्स इन द कोर्ट्स. उन्होंने बहुत से पैट्रोनेज दिए थे स्कॉलर्स के कोर्ट में. राजा भोज और किंग भोज मेड धार नगरी द सेंटर ऑफ स्टडीज विद्या नगरी एंड एस्टेब्लिश्ड द यूनिवर्सिटी विद्यापीठ फॉर द स्टडी द संस्कृत लिटरेचर. जो राजा भोज थे उन्होंने धार नगरी में का धार नगरी को स्टडी सेंटर बनाया, जिसको विद्या नगरी के नाम से एस्टेब्लिश किया और विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करवाई, जिसमें संस्कृत साहित्य की स्टडी करवाई जाती थी. मैनी आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम. और इसी टाइम में बहुत से मॉन्यूमेंट्स जो थे आर्किटेक्चर्स की का भी निर्माण करवाया गया था. द परमार फाउट मैनी बैटल विद द चालुक्यास ऑफ साउथ. जो परमार थे उन्होंने बहुत सारी बैटल्स भी किए थे चालुक्य के साथ साउथ में. साउथ, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा भोज द किंगडम ऑफ मालवा वीकेंड. जब राजा भोज की मृत्यु हो जाती है तो मालवा क्या होता है, बहुत ही उसका जो शासनकाल होता है बहुत ही वीक पड़ जाता है, बहुत ही कमजोर हो जाता है. ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट प्राइड ऑफ द राजपूत रूलर्स. ठीक है, राजपूत वर वेरी ब्रेव. जो राजपूत होते बहुत ही बहादुर होते थे. दे फेल्ट प्राउड टू गिव अप दियर लीव्स फॉर दियर कंट्री. वो बहुत ही प्राउड फील करते थे जहाँ वो जिस कंट्री में वो रहते थे. टू डाई बट नेवर फियर. वो मरने के डर से भी नहीं डरते थे कि हम मर जाएंगे. टू प्रोटेक्ट दोज हु सिक रिफ्यूज टू स्पीक द ट्रूथ फाइट फॉर द ट्रूथ वर दियर स्पेशल ट्रेट्स. वो अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करते थे. हु सिक रिफ्यूज से टू स्पीक द ट्रूथ. वो हमेशा सच बोलते थे और हमेशा सच्चाई के लिए वो युद्ध करते थे, चाहे उनके लिए उनको कुछ भी करना पड़े. राजपूत वुमेन. जो राजपूत वुमेन्स होती थी जिनको राजपूतानी कहा जाता था, वर नोन फॉर द चेस्टिटी एंड फियरलेसनेस. जो राजपूतानियाँ भी थी वो बहुत ही बहादुर और बहुत ही निर्भय थी.
They sent their husbands, sons and brothers to the battlefield with the smiling face. वो क्या करती थी, जो अपने हस्बैंड थे, उनके बेटे थे और या फिर उनके भाई थे, जो भी युद्ध पे जाते थे, उनको स्माइलिंग फेस के साथ उनको विदा करती थी. दे वर सो ब्रेव दैट इफ नीड बी, जो कि बहुत ही बहादुरी, जिसमें बहुत ही बहादुरी का कार्य होता है, इसमें बहुत ही बहादुरी चाहिए होती है. दे वुड फाइट ऑन द बैटल फील्ड, क्योंकि वो उनको युद्ध पे भेजने, लड़ने के लिए भेज रही हैं. दे प्रिवर्ड जो हार टू बर्न लाइव इन द हस्बैंड वर डिफीटेड और अटेंड द मार्टिरडम इन वॉर्स. द हियरिक स्टोरीज ऑफ द राजपूत एज एंड इनग्रेव इन गोल्डन लेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इसमें क्या बेटा, जो राजपूत होते थे बहुत ही बहादुर माने जाते थे और वो अपनी जिस कंट्री में रहते थे बहुत गर्व करते थे. वो अपनी कंट्री की, उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, सच्चाई के लिए वो लड़ते थे और यहाँ तक कि वो अपनी जान भी देने के लिए तत्पर रहते थे. इनकी जो वाइफ होती थी राजपूतों की, उनको राजपूतानियाँ कहा, राजपूतानी होती थी, वो भी निर्भय और निडर होती थी, वो भी बहादुर होती थी. क्योंकि जब वो अपने हस्बैंड को, जब अपने हस्बैंड को, बेटे को या फिर अपने भाई को जब युद्ध के मैदान में भेजती थी तो हमेशा उनके चेहरे पर एक स्माइल रहती थी, जिसमें बहुत ही बहादुरी चाहिए होती है. क्योंकि और वो जब ऐसा होता था कि जब युद्ध होता था तो उसमें क्या होता था बेटा, जब अगर उनके हस्बैंड जो होते थे अगर पराजित हो जाते थे, वो जौहर करने के लिए भी तैयार हो जाती थी. तो जौहर इट मीन्स होता है जिसमें कि जो स्त्रियां होती हैं जो आग जला के उसमें जिंदा उसमें कूद जाती हैं आग में, तो उसे जौहर कहा जाता है. ओके, आपको ये पार्ट समझ में आया? ठीक है बेटा, ओके, चलो बाय.